ये 26/11/1 जो बम्बे कांड हुआ, मैं डीसी को चिट्ठी दे के आया, मैं डीसी साहब मेरे को पाकिस्तान जाने वाली बस या फायर ब्रिगेड की गाड़ी या हेलीकॉप्टर जो इंडिया का चक्कर देगा, चक्कर काटेगा, कोई दुश्मन इंडिया में नहीं बढ़ सकेगा ना इंडिपेंड काम कर सकेगा। तो चिट्ठी ढली, डीसी ने सुनाई कुछ करी नहीं। तो पाकिस्तान वाली बस दे दे नमून का वही रास्ता काट दो जो बम्बे में जाकर कांड कराया। उसके बाद मैंने एक कंपनी में मैं इतने तो खर्चा बना बता हैगा और फिर चाल तो बम्बे में पूरे समुद्र किनारे उनका रास्ता काट दे। तो मैं इतने वो बड़ा बुरा बना कर चलने की तैयारी करी, इतने खबर आई वो उन्होंने होटल में ऐसे ऐसे पाकिस्तान के आएगा उबड़ के। बोलो शुक्र है मैं पहले उनके कट्टर योग कर गया मैं, न तो वो पूरे पाकिस्तानी झंडा लाना ना ना उसको कर। अच्छा उसके बाद बुलाई क्यों होगा महाराज, मैं गुवाहाटी जान ला रहा डीसी को चिट्ठी दे के गया वहाँ भाई मेरे को तो गुजरात 15 जनवरी को मैं तू मेरे को गुजरात में भेज दे सरकारी खर्चे में डीसी को लग कर देगा चिट्ठी मेरे को लड़ाई नहीं करी। मैं गाड़ी फिर अपना गाड़ी वाले गाड़ी लेकर मैं गुवाहाटी का जान लग गया। इससे होटल वाले भी जाने गए अब भाई इसने ऊपर का नीचे का सब क्या है बताया। अब की बार क्यों होगा मैं गुजरात में 26 जनवरी को हुकुम उठेगा और मैं पूरी तबाही की तबाही मार चाहिए। अगर मैं गुवाहाटी में 26 जनवरी फिर गुवाहाटी में धरता आया और तो होटल वाले महाराजों का काम सच हो गया और 26 जनवरी वाले दिन हुकुम उठ गया और बहुत बड़ा बेबाल हो गया गुजरात में। तो ये मैं पहले डी सी आ गए एस पी के पास जा हूँ कोई सुनाई नहीं। रोज गए एस पी के पास चला गया मगर तुमने एक भी न रख ले मगर भगत सिंह के पहले जन्म की बाद में पिछले जन्म की कहानी बताना रहूँगा और मैं आपके पास रहूँगा। अगर मेरे को अमृतसर के पास से रेल पूरी दुनिया को कुचल दी दिख है मैं हर यू चैनल के है ये मृत होने को साधन होता तो मैं जागा न कि मैं सोचूँ उड़े जागा दस हजार जन कम से कम 50-60 आदमी दस हजार मेरा बड़ा रेलवे लाइन में पब्लिक बैठी थी नून पे भी रेल आ गई नून पे भी वो पूरी पब्लिक वो काट गई। तो वो एस पी मेरी शिकायत सुन ले है कि अगर हमारा नून अलग हो जाए हमें सरकार ना अरे बचाव हो जाए लेकिन सब कोई सुनता ही नहीं ना सब अपने कुर्सी पर बैठ कुर्सी मिल जाओ वह भगवान बन गया उन्हें पब्लिक का ना कुछ नहीं देखना कुर्सी मिल जाओ।